सो इस सीरीज की स्टार्टिंग होती है आज से कुछ 20 साल पहले। सारे पोकेमोन्स एंड इंसान आपस में खूब अच्छे से रहते थे। सो एक बड़ा सा किंगडम था जिसका नाम था स्वॉर्न विला, जहाँ के किंग थे किंग विक्टर। एंड इनके एरा में पोकेमोन्स एंड इंसान दोनों ही बहुत अच्छे से रहते थे। एंड कुछ इवल एसोसिएशंस भी थीं जो कि इस किंगडम की खुशियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं। सभी लोग किंग विक्टर के राज्य में बहुत खुशी से रह रहे थे, बट कुछ साल बाद किंग विक्टर का एक बेटा हुआ, उसका नाम था फर्डिनेंड। बचपन से ही उसको पोकेमोन्स एंड मेगा एवोल्यूशंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो अपने किंगडम के एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सैरेन, उसके साथ मिलकर रोज कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था मेगा एवोल्यूशंस के ऊपर। एंड उसका मेन ड्रीम ये था कि वो मेगा एवोल्यूशन से भी एक लेवल ऊपर एक नया एवोल्यूशन क्रिएट करे। इस एक्सपेरिमेंट में उसने बहुत सारे पोकेमोन्स का यूज करा, जो कि इस एक्सपेरिमेंट की एनर्जी को झेल नहीं पाए एंड मारे गए। एंड इस एक्सपेरिमेंट में उसने कम से कम 5 से 6 साल लगा दिए, बट अभी तक के उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। इतने सारे पोकेमोन्स को मरता देख प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए एंड उन्होंने ये बात जाकर राजा से बता दी। एंड ये सुनते ही राजा ने अपने बेटे फर्डिनेंड को फांसी की सजा सुना दी। ये सुनकर फर्डिनेंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। ज्यादातर समय लैब में बिताने की वजह से फर्डिनेंड थोड़ा सा पागल हो गया था, लाइक अ टाइप ऑफ साइको बोल सकते हो आप लोग इसको। एंड फिर फाइनली वो दिन आ गया जब फर्डिनेंड को उसकी पनिशमेंट मिलनी थी। पूरे किंगडम के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी कि राजा अपने ही बेटे को इतनी खतरनाक पनिशमेंट दे रहे थे। एंड सारे किंगडम के लोग किंग विक्टर से बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर फर्डिनेंड के दिमाग में कुछ और ही खतरनाक चल रहा था। सो फर्डिनेंड ने एक लास्ट विश मांगी कि मुझे अपने पापा से एक बार गले मिलना है। एंड बस इतना कह के वो रोने लगा। अब किंग विक्टर भी तो फर्डिनेंड के पापा ही थे, तो यार वो भी थोड़े से सैड हो गए थे। सो उन्होंने फर्डिनेंड की लास्ट विश को एक्सेप्ट कर लिया। एंड फिर जैसे ही फर्डिनेंड किंग विक्टर के गले लगा, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था फर्स्ट एपिसोड हमारे इस वंडरफुल पोकेमोन सीरीज का। तो यार कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताइए जरा। थोड़ा सस्पेंस एंड थ्रिल क्रिएट करना चाहता था मैं। एंड गेट रेडी, आगे के एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। सो जमकर प्यार दिखाइए आप लोग इस एपिसोड को, ताकि मैं आगे के एपिसोड और जल्दी ला सकूं।